आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अपने अजीब तरह के बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले गुना विधायक पन्नालाल शाक ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि माताएं कुसंस्कारी बच्चों को पैदा ना करें, अच्छे संस्कारों वाले बच्चों को ही पैदा करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य पहुंचे, जहां उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बताया कि जिन बच्चों में संस्कार नहीं है उन्हें माताएं पैदा ना करें। अब समझ से परे है कि हर माँ के लिए उसका बच्चा बराबर ही होता है। साथ ही कोई माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में ही कैसे पहचान सकती है कि उसके संस्कार या वो आगे जाके क्या बनेगा और कैसे अपनी कोख में ही बच्चे को खत्म कर दे। ये तो समझ से परे है कि विधायक महोदय ने इस तरह से बोलने का क्या तात्पर्य था, पर एक अहम सवाल ये उठता है कि भविष्य की गर्त में क्या छुपा है कोई कैसे जान सकता है। माता बहनों को एक निवेदन कर रहा हूँ, इस पर विचार करें कि वो भी किसी ना किसी माता के पुत्र रहे होंगे जिन नेताओं ने वो नीतियां लागू की थी और जमीन पर नहीं आई। गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब हटते चले गए। तो ऐसे नेताओं को जन्म भी देने वाली कोई माता होगी तो मेरा इन माता बहनों से एक निवेदन है, ये दो लाइन है वो अवश्य ध्यान रखे के जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। ऐसे पुत्रों को और पुत्रियों को माता बहनों से निवेदन है कि वो जन्म ना दे जो समाज में विकृति पैदा करते हैं, विकृति पैदा करते हैं, दुर्गुणों का संचार करते हैं। आज हम कोई सी घटना को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम सब के सब बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है, राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या इस पृथ्वी पर धन्य है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत शीतलाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विजय दत्ता, विधायक पन्नालाल शाह के मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मातृत्व सुरक्षा योजना में चेक भी बांटे गए। वहीं जिन हितग्राहियों को पट्टे दिए जाने थे यहां उन पट्टों का भी वितरण किया गया। श्वेता गोलू मावन, मीरा मालम सिंह सहरिया गादे, रानी करण सिंह सहरिया गादे, शारदा विजय बिलाला गादे, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छठवीं नबी ग्यार, सावित्री अहिरबा, राजेंद्र कीदर, गंगोती बाई, राजू माहौर, दिनेश देवीलाल, सोनू श्रीराम विप्रोदा कला, सोनू शिवराम श्रीराम विप्रोदा कला, राजपाल पट्टा वितरण योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को यहाँ से प्रमाण पत्र दिए जाने हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। भूखंड पट्टा को यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा यह प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। सीताबाई गंगाराम, मंत्री श्रमिक सेवा योजना ये जो लागू की गई है तो ये उन परिवारों के लिए लागू की गई है कि जो अपना परिवार चलाते हैं उसी परिवार चलाने के क्रम में उन्हें मजदूरी से छुट्टी नहीं मिल पाती है, प्रसूति होती है, गर्भधारण होता है, तो ना तो उनको पोषक आहार मिलता, ना पोषक समय मिल पाता क्योंकि मजदूरी नहीं हो रही ठीक से। तो उसमें क्या है कि 6 महीने के समय पर इनको 4,000 रुपये मिलेंगे और प्रसव हो जाने के बाद, जन्म हो जाने के बाद 12,000 रुपये, तो ये सब 12,000 16,000 टोटल मिला के, हाँ कुल मिला के 16,000। तो वो महिला अपने बच्चों को और खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस आर्थिक सहायता से उसको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी ये जो योजना है ये अपने भारत में इसके पहले ऐसी योजना लागू नहीं हुई, बहुत अद्भुत योजना है।
संजीवनी है, रामबाण है, ऐसा मानना चाहिए। आज कौन कौन सी योजनाओं का वितरण हुआ है, किन किन योजनाओं के संबंध में? ये अपन ने एक तो अनुग्रह सहायता राशि दी अपन ने 4,00,000। हाँ हाँ, उनको बता दे रही हूँ मैं। हाँ हाँ, सुनो ना, ये है मैं देखो जी, ये ले लीजिए, पूरी योजना है ना उनके तहत। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 93,09,34,000 रुपया है, आज ही वितरण है, आज वितरण हुए। और जनपद में हुए ये 72,000 गुना में, ये 1,14,00,000 रुपया ये वितरण किए कर्मकार मंडल के लिए। ये प्रधानमंत्री आवास का हो गया 72,000। फिर जनपद पंचायत में अंत्येष्टि कर्मकार मंडल सहायता राशि 25,000। जनपद पंचायत गुना सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना 2400। ये जैसे कल्याणी नई योजना शुरू हुई है, आपको पता हो, बीपीएल कार्ड राशन कार्ड मना कर दिया गया, तो उसकी जो नई शुरुआत हुई उसमें अभी इतने दिए। फिर जनपद गुना में अपने मध्य प्रदेश भवन और निर्माण कर्मकार मंडल के लिए श्रमिकों को सहायता अभी ये नहीं आई है। राष्ट्रीय परिवार योजना में 40,000 रुपया महिला बाल विकास में 1,18,000 रुपया लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बटे। गैस कनेक्शन हितग्राहियों की संख्या 51 है इसमें। ऐसा कुल मिला के 2,59,00,000 रुपया बट गया। रमजान के महीने को मुस्लिम समुदाय के लोग पाक महीना मानते हैं। वहीं इस महीने में सभी मिलकर ऐसे काम करते हैं जिनसे खुदा की रहमत उन पे बरस जाए। ऐसे ही म्याना में रमजान के महीने में मुस्लिम परिवार द्वारा पिलाया जा रहा है हिंदू मोहल्ले में पानी। म्याना में कटरा मोहल्ला निवासी आयुब खान द्वारा अपने निजी ट्रैक्टर और टैंकर के द्वारा 3 से 4 मोहल्ले में मोहल्लेवासियों को लगातार पानी की सप्लाई दी जा रही है, वह भी निःशुल्क। आयुब खान ने बताया कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, इस कारण जिन मोहल्लों में पानी की कमी है या नल नहीं आ रहे, उन मोहल्लों में अपने निजी वाहन से पानी पहुंचा रहे हैं। वैसे भी म्याना हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। अच्छो काम कर रहे, भलो काम कर रहे हैं, ये तो बढ़िया। रोज देना टैंकर आ रहा है, हमें पानी की बहुत परेशानी पड़ रही थी, पानी भर रहा है रोज ही ना। कब से आ रहा है? हमको 8 दिनों से पानी की सुविधा दे रहा है। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये हमको बहुत सुविधा दे रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नल नहीं आ रहा है हर रोज से। तो आइए खाना हमारा साथ दे रहा है और बहुत अच्छा, सुबह दोनों टाइम टैंकर से पानी दे रहे हैं भर कर। 4 मोहल्ला है जी, वो कलम जो 4 हो गए। हाँ, तो कितने मोहल्ला है जी, वहीं से लाइन से अपन रखते हैं तो उसमें सब लोग पानी भर लेते हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। वायरल हुए ऑडियो का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, जिसमें एक नामी वकील की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर टीका टिप्पणी भी की थी। वहीं इस मामले में आज सुबह गुना अभिभाषक संघ के एक पदाधिकारी ने वकील भूप नारायण सिंह के साथ अभद्रता कर दी। सूत्रों के मुताबिक जब भूप नारायण सिंह अपने कार्य के लिए कोर्ट पहुंचे तो वहीं मौजूद एक वकील ने उनके साथ हाथापाई कर दी। जब इस बारे में हमने वकील भूप नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है ये बार काउंसिल के अध्यक्ष वरुण सूद के कहने पर हो रहा है। वहीं उन्होंने अभद्रता की बात को भी सत्य बताया कि उनके साथ आज अभद्रता हुई है। साथ ही वायरल ऑडियो को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये वायरल ऑडियो का लैब टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, जो ऑडियो क्लिप है वो टेम्पर करके बनाई गई है। वहीं इस सारे मामले में हमने जब वरुण सूद से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी वे गुना में मौजूद नहीं है। साथ ही भूप नारायण के लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद हैं एवं वे कभी भी बार काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल के किसी भी चुनाव में खड़े होने वाले नहीं हैं। समझ से परे है कि आखिर ऑडियो कहां से आई और किसने भेजी और क्या है इसकी सच्चाई, यह तो समय की गर्त में छुपा है।
लेकिन जो भी हो हाल फिलहाल ये मामला दबने का नाम नहीं ले रहा। राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव गुना अधिवक्ता संघ अध्यक्ष वरुण श्री वरुण सूद को लड़ना है और देवास भारती अध्यक्ष श्री राम प्रसाद सूर्यवंशी से मिल करके और टेम्पर करके एक वीडियो उन्होंने तैयार किया है और एक साजिश के तहत जो है अधिवक्ताओं में रोष पैदा हो इस तहत उन्होंने जो है इसको ऑडियो को जारी किया है जिससे कि कुछ दिनों में टेम्पर की स्थिति क्लियर हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका मूल उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के बीच में जो है एक ऐसा मैसेज चला जाए जो एक मेंबर इस्तेमाल करता है और वो छवि को ख़राब करने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरीके का टेम्पर वीडियो जारी किया। अभी कुछ सुनने में आया किसी ने कोई आपके हाथापाई या कुछ तो हुआ है ऐसा मामला? अब उन्हीं टेम्पर किए गए शब्दों के विरोध में एक अनिल शुक्ला अधिवक्ता हैं, उन्होंने थोड़ी से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया, लेकिन अब चूंकि अधिवक्ता हैं अब उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करा अधिवक्ता संघ गुना देखे, इस दिशा में अधिवक्ता संघ गुना में मैं एक आवेदन दूंगा। तो जिन लोगों ने ऑडियो क्लिप जारी किए उनके खिलाफ आप कुछ करने वाले हैं? पहले ऑडियो क्लिप को हमने लैब से उसको प्राप्त किया और लैब से उसकी जांच करवा रहे हैं और ऑडियो क्लिप कैसे और कहां बनी वो साजिशकर्ताओं के जैसे वो क्लियर हो जाएगा तब उनके सामने सब हम सब बताया जा रहा है। जितनी देर आपकी बात हुई है उतनी कॉल ड्यूरेशन की वो ऑडियो क्लिप है तो टेम्पर कैसे हो सकती है? उतने देर की नहीं है बात, की ऑडियो इसलिए है कि आप अगर आगे सुनेंगे तो उस ऑडियो क्लिप में पैसे की मांग हो रही है तो अगर पूरे क्लियर आप एक बार उस ऑडियो क्लिप के सुनेंगे तो बीच में कुछ और बीच में कुछ हो जाता है, सीक्वेंस बीच में बदल जा रहा है तो अगर सीक्वेंस बदलता है तो जिस फ्लो में जो बात चल रही वही बात चलेगी तो बीच में आधी बात कुछ आधी बात कुछ आधी बात कुछ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा की गई मंडी में फलों की जांच। बता दें कि खाद्य विभाग को काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि फल विक्रेता फलों को केमिकल से पका रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए खाद्य विभाग द्वारा आज सभी फल विक्रेताओं के यहां पर जांच की गई, साथ ही सैंपल भी इकट्ठे किए गए। हालांकि कई जगह पर केमिकल के पैकेट भी पाए गए। अब देखने लायक होगा कि क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अभियान चलाया गया है या फिर इसको अंजाम तक भी पहुँचाया जाएगा। दिल्ली में व्यक्ति हाँ सही बात, आपने को क्या पता मैम, सही बात है। चाइना में आती है, दो तीन क्वालिटी आती है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि फल मंडियों में जाके आम की जांच करनी है और उनको शिकायत प्राप्त हो रही महोदय को कि कार्बेट से आम पक रहा है, ऐसा हेतु हम लोग उपस्थित हुए यहाँ पर और विभिन्न दुकानों की जांच की गई और इन दुकानों पे जो भी संदिग्ध क्रेटों में जो आम पक रहे हैं वो रखे हुए हैं, उनमें पुड़िया रखी हुई है, उस पर एथिलीन लिखा हुआ है तो वो पुड़िया के भी सैंपल लिए हैं और आम के भी सैंपल लिए हैं और इनको भोपाल में भेजा जाता है। ये पुड़िया कोई हानिकारक? अभी तो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, आपका नाम? कलेक्टर साहब ने सर आप कुछ निरीक्षण के लिए आदेश दिए पद पे हैं? मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसकी पहले कितनी बार फल की इसमें कार्रवाई हो चुकी है आपको पता नहीं? अभी तक इस सीजन में एक भी बार नहीं की, मतलब कलेक्टर साहब ने बताया उसके बाद आप पहली बार यहाँ पर आए, मतलब अभी तक जो फल बिक रहा था बिना निगरानी के बिक रहा था आपने? पहले भी इंस्पेक्शन पहले भी हुए हैं इस सीजन में सर, मतलब नहीं है पहले। नगर पालिका अमला पहुंचा जज्जी बस स्टैंड, यहां पर एक बार फिर लगी गुमटियों को वहां से हटा दिया गया, साथ ही यहां लगने वाले टैक्सी स्टैंड को भी यहां से हटा दिया। जब वहां से गुमटियां हटाई जा रही थी तब काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, इसके बाद भी गुमटियां वहां से हटाई गई। वहीं पर अशफाक खान ने हमें बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष ने चुनाव से पहले वहां पहुंचकर टेकरी सरकार की कसम खा के कहा था कि किसी भी कुमटीधारी को यहां से गुमटियां नहीं हटानी पड़ेंगी, वहीं उन लोगों को यहां पे पक्की दुकानें बनाकर दी जाएंगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब फिर उन्हें यहां से बेदखल कर दिया जा रहा है।
समस्या पर है कि जो गरीब दुकानदार यहाँ दिन भर मेहनत करके रात को अपने घर खाना लेके जाते हैं, उनका क्या होगा, कहां से लाएंगे वो इतना पैसा कि दोबारा से उनकी गुमटियां तैयार की जाएंगी। वहीं परिवार के भरण पोषण को लेकर भी काफी दुकानदार चिंतित नजर आए। घुमटी वालों को भी चाहे यहाँ फेंका जाता है, फुटबॉल समझ रहे हैं, कहीं इधर से उधर इधर से उधर। टैक्सी काम की घुमटी जज्जी में जो रहती है, जज्जी बस स्टैंड की, और यही टैक्सी स्टैंड का हाल है, कहीं जहाँ कहीं वहाँ कहीं जहाँ। सलोजे जी आ रहे अब चुनाव के टाइम, उन्होंने ये बोला था परमानेंट आपको मैं यही जगह दूंगा, टैक्सी की कसम खा के बोला था उन्होंने, मैं यही जगह दूंगा। किसकी कसम खाई थी? टेक्सी सरकार की कसम खाके की थी। मंदिर के सामने सबको यहाँ बोंडी कराऊंगा, सबको दुकानें दूंगा, और आज को देख लो ये दुकानें मिल रही हैं सबको। चुनाव के पहले यही बोला था उनने, इतने लोग हैं किसी से पूछ लेना। आज दुकानें फेंकवा रहे हैं, आज सबकी दुकानें फेंकवा रहे हैं, गाड़ियाँ फेंकवा रहे हैं। बात नहीं हटवा देना, घुमटी हटवा ट्रैफिक पुलिस जो आई थी सूचना कर गई है टैक्सी वालों को, यहाँ से गाड़ियाँ हटाई जाए और घुमटियाँ भी हटाई जाए, टोटल खाली किया जाए जी। गाड़ी ऑफिस का बोला है तुमने? गाड़ी वालों का बोला था, घुमटी वालों का थोड़ी बोला है। अच्छा, घुमटी हटाने का बोला, घुमटी का कोई हिस्सा ही नहीं है। हमारी ये सूचना है कि जहाँ तक है मंदिर के पीछे हमारी टैक्सी लाइन खरीद दी जाए, पूरी गाड़ियाँ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। पहले भी वहीं की बोला था, मंदिर के पीछे पूरी गाड़ियाँ लगाई जाए, बस की जो जगह है, जो बस स्टैंड जो अभी जो नया बना हुआ है तो वहीं रहा है वो, और इनकी घुमटियाँ भी ना आते हैं हम लोगों का। तो कलेक्टर साहब के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं आप, तो हटा देंगे हम तो किसी, देख लेना आप कल। अच्छा जी, कोई नहीं हटाने देगा, वो ऐसा कोई घुमटी वाला नहीं है, 100-150 रुपए ही कमाता है। सब रोज के कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, और किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि आदमी उधर से उधर हो जाए। मटके के पीछे का अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, जो पानी का मटका बना हुआ उसके पीछे बसों का स्टॉपेज रहेगा, बसें लगेंगी वहाँ पर। अरे यार बुरा, और ने बताया है कि अभी सभी के लिए टाइम दे दिया जाए, जैसे अपना अपना सामान सुरक्षित ले जाएं। ये लोग खड़े हैं जो इनके लिए टाइम दे दिया गया है। हाँ, अभी हटा रहे हैं, इस साइड का पहले हटा रहे हैं मटके के पीछे। तो इनको कितने बजे तक का टाइम दिया गया है? इनके लिए अभी कल भी वार्निंग दे दी थी तहसीलदार साहब ने, घटना तो पूरा ही है, सभी की सूची वगैरह बना ली है, सभी का हटवा। कम्युनिस्ट हॉल में हुआ असंगठित श्रमिक मजदूर वर्ग का सम्मेलन। चाचौड़ा कम्युनिस्ट हॉल में असंगठित श्रमिक मजदूरों का वर्ग का सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ममता मीना रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हितग्राही विधायक को अपनी समस्याओं को अवगत कराते नजर आए। इसके बाद कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष निक्की राजपूत ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पार्टी को चोरों की पार्टी कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं लक्ष्मण सिंह के किए गए इतने सालों के कार्य की तुलना ममता मीना के कार्यकाल से भी की। वहीं भाजपा विधायक ममता मीना ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, और उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की निंदा भी की। इसके साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिवराज सिंह चौहान के जमकर तारीफ भी की। गरीब देश के बिना जात पात के
बिना कानून के भेजते अरे गरीब को कभी किसान परेशान नहीं हुआ और 44 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मूल्य आपको दिए और 100 रुपए और आपके खाते में आकर 45 रुपए चंदा में आपके आने वाले हैं। भाइयों बहुत सारी योजना है आपके बीच में आपकी विधायक हो रही है चल रही है और आने वाले समय में चुनाव भी सर पर है। आपको विचार करना है कि किस सरकार ने आपके बीच में कार्य किया है। 2003 के पहले जो सरकार थी स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया और वर्तमान में बेटी चाचोड़ा विधायक ने आपके बीच में क्या किया ये सिर्फ तुलना करना है। 93 में सिमदारा मीना जी ने यहाँ की सीट खाली की थी वो कुफरी लगाई थी कि हमारे चांदी की सड़कें चांदी के सोने की सड़कें तक क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से निकली बात संविधान का रूप ले लेती है और मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि यहाँ पे कलेक्टर साहब ये होना है तो वहाँ पे कल से काम चालू हो जाता है। लेकिन चांदूड़ा की जनता ने उस टाइम धोखा दिया है जनप्रतिनिधियों ने। लेकिन 2013 में जब गाँव गाँव ममता मीना जी नहीं थी जब उनके साथ था उन्होंने जो विकास के वादे किए थे हम लगभग पूरे कर चुके हैं। लेकिन विकास पर एक ऐसी चीज है कि जो निरंतर चलता रहेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जिन गाँव की सड़कों की जहाँ तालाब के की बातें थी वहाँ तालाब आए हैं ऐसी मैं विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी हमें लोकप्रिय विधायक विकास के लिए लड़ने वाली विधायक मिली है उनका आभारी हूँ। आगे भी आपको जनता से बहुत उम्मीद है जनता को आपसे बहुत उम्मीद है। इसलिए वोट देने से पहले एक बात ध्यान में रख लेना कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो विधायक से बनती है विधायक से मुख्यमंत्री बनता है और जो मध्य प्रदेश में की जो सीटें हैं हमारी लोकसभा की सीटें हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी की सांसद है उनसे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे बैठे हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए अपना वोट उस व्यक्ति को देना जिन्होंने आपके यहाँ कुछ किया है। आज जो 4 लाख रुपए जो घटना में मिलेंगे आज 2 लाख रुपए के हमारे दो एक हमारे दुष्कर्मा मोहम्मदपुर के उनका पंजीयन नहीं हो पाया पंजीयन तो हो गया ऑनलाइन नहीं चल पाया 2 लाख का चेक विधायक जी अभी आपको देने वाली है। एक व्यक्ति हमारे बीच में गए आज झरने को असामाजिक मौत होने पर 2 लाख सरकार सीधा खाते में दे रही है ये बहुत बड़ी बात है। आज महिलाओं को हमारी माता बहने गर्भ धारण करने पर 4,000 रुपए के खाते में जा रहे हैं। जैसे ही हमारे माता डिलीवरी होती है तो 12,000 रुपए खाते जा रहे हैं। किसी गरीब से पूछो तो 200 रुपए की मजदूरी करता है उसको 16,000 रुपए जब बच्चे और बालिका होने को मिलता है ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छूटा है जिससे इससे कोई वंचित रहा हो हर व्यक्ति को इससे लाभ पहुँचाने वाला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सबसे बड़ी जो प्रसूताओं के लिए जो योजना चलाई है कि उनको 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे जन्म के बाद 12,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अगर हमारा किसान भाई जिसकी 60 साल की उम्र है असंगठित मजदूर है उसको अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसको 2 लाख रुपये उसके परिवार को बीमा मिलेंगे अंग भंग हो जाता है 1 लाख रुपये का बीमा उसके परिवार को मिलेंगे। इसी तरह से जो प्लेटलेट वाली जो 200 रुपये महीना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का जो किया है ये भी वाकई में बहुत सराहनीय कदम हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों के लिए है। इसलिए आज हितग्राही सम्मेलन में अलग अलग लोग जिनको पट्टे भी दिए गए उजाला योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क गैस चूल्हे भी दिए गए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारी लाडलियों को चेक भी वितरित किए गए। ऐसे बहुत सारी योजना है और ऐसा कोई परिवार ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ हो। चाहे अपने हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहन हो उनको भी चरण उपाधिका एक ठंडी बोतल और साड़ी देकर वाकई में मुख्यमंत्री जी ने उनका दुगना बोनस करके वाकई में सम्मान बढ़ाया एक भाई होने का। सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए ये भाई होने का एक फर्ज निभाया। इसी तरह से जननी सुरक्षा योजना जैसी योजना चलाकर घर में माता बहन को लेकर जाए हर वर्ग में जैसे 200 रुपए का पिछले साल का गेहूं का बोनस अभी 263 रुपए का इस बार का जो हमारे किसानों को जो प्रोत्साहन राशि दी है वाकई में किसान को सीधा लाभ पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहुंचाया। मैं किसान की बेटी स्वयं किसान हूँ तो मैं इन चीज़ों को मैं किसानों की ओर से मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा सही समय पे पैसा दिया जो प्रोत्साहन राशि दी है 4500 रुपये क्विंटल में चने खरीदने का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया जो 100 रुपये का बोनस वाकई में किसान को सीधा लाभ पहुँचाने आज बाजार में बेचेंगे तो कोई उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा था जो समर्थन मूल्य में जो किसानों को उचित मूल्य मिला। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिव नामदेव की रिपोर्ट।
डीजीआरएम में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।